जी हाँ दोस्तों, आपने मेरे वीडियो के टाइटल और थंबनेल में सही देखा दोस्तों। जी हाँ, आज मैं आप लोगों को ये देख रहे हैं गुलर, इसका फायदा बताने वाला हूँ दोस्तों। कहावत है कि जिसने गुलर का फूल देख ले उसका भाग्य चमक जाता है। यह भी कहा जाता है कि गुलर का सेवन करने वाला वृद्ध व्यक्ति भी युवा हो जाता है। आपने भी गुलर के फायदे के बारे में जरूर कहानी या किस्से जरूर सुने होंगे। इसके अगर फूल मिल जाए तो दोस्तों उनका भाग्य चमक जाता है, ऐसा कहा जाता है। दोस्तों आयुर्वेद के अनुसार जो गुलर होता है रक्त स्त्राव को रोकने वाला, मूत्र रोग को ठीक करने वाला, डायबिटीज की बीमारी को ठीक करने वाला, यहाँ तक कि दोस्तों एक कैंसर जैसे भयानक बीमारी को ठीक करने वाला बताया गया है। गुलर क्या है तो आयुर्वेदिक ग्रंथों में गुलर का पेड़ हेम दुग्ध जंतु फल सदा फल आदि नाम से जाना जाता है। इसके तने या डाल आदि में किसी भी स्थान पर चीरा लगाने से सफेद दूध निकलते आप सभी ने देखा होगा, और दूध थोड़ी देर में पीला कलर हो जाता है, इसलिए इसे हेम दुग्ध भी कहा जाता है। गुलर के फलों में ढेर सारे कीड़े होते हैं, इसके कारण इसे जंतु फल भी कहा जाता है, और 12 महीने में भी दोस्तों ये आपको फल लदे हुए देखेंगे। तो आज मैं आप लोगों को इसका विस्तार से बहुत सारा फायदा बताने वाला हूँ। थोड़ी भी जानकारी गाइस पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक जरूर करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, और आप सभी दर्शकों से निवेदन है कि दोस्तों हमारे भारत भूमि से आयुर्वेद की जानकारी धीरे धीरे समाप्त हो रहे हैं दोस्तों, इसलिए इस वीडियो को आगे जरूर शेयर करना। हम चाहते हैं कि हमारे भारत भूमि में ज्ञान का धरोहर यह समाप्त न हो, और छोटे छोटे वीडियो बना करके आयुर्वेद की जानकारी आप सभी तक पहुँचाने की कोशिश करते अपने वीडियो के माध्यम से। सबसे पहले तो ये माता बहनों के लिए अच्छा होता है। जी हाँ, जो गर्भ जिनके ठहरती नहीं माता बहने, उनके लिए अगर 30 ग्राम गुलर की जड़ को कूट करके या सूखी हुई जड़ के छिलके का काढ़ा बना करके नियमित रूप से 3 महीने तक सुबह और शाम में पिला दिया जाए तो गर्भपात नहीं होता। दूसरा प्रयोग बता रहा हूँ, गर्भपात न होने के लिए गुलर की कोपले को दूध के साथ सेवन करना चाहिए, इससे गर्भपात माता बहने में नहीं होती और बच्चे रुकते हैं। इसके बाद ये बुढ़े आदमी को भी जवान बना सकते हैं। जी हाँ, गुलर का फल काफी पौष्टिक होता है। गुलर के सूखे फल के चूर्ण का 10 से 20 ग्राम की मात्रा सेवन करने से सारी कमजोरी दूर होती हैं, बूढ़े आदमी भी यंग दिखने लगते हैं। ये भी कहा जाता है दोस्तों, गुलर के फल के चूर्ण तथा विदारी कंद के चूर्ण को बराबर मात्रा में अगर 4 से 6 ग्राम खाना है, इसे मिश्री और घी में या दोस्तों दूध के साथ सुबह शाम अगर सेवन किया जाए तो यौन शक्ति को बढ़ाती है। इस उपाय को यदि महिलाएं करें तो समस्त स्त्री रोग दूर होते हैं और शारीरिक स्वस्थ रहते हैं, शरीर स्वस्थ रहता है। कहा जाता है कि इसका प्रयोग करने से बूढ़ा व्यक्ति भी जवान हो जाता है, और काफी हद तक के दोस्तों ये बात सही हुआ होगा, क्योंकि ये बताया जाता है कि अगर इसके सही वास्तव में इसके फल का चूर्ण दूध में मिला करके 10 से 20 ग्राम की मात्रा में कोई भी बूढ़े व्यक्ति ही क्यों ना इसका सेवन करते हो, शरीर में यंग जैसा ताकत आ जाता है। जो स्टेमिना खो चुके हैं, जवानी खो चुके हैं, वो फिर से वापस आ जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि मेरे वीडियो में बताया रहे जानकारी थोड़ी भी आपको पसंद आया होगा, थोड़ी भी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, अपने मित्रों में शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, नमस्कार।